आज जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस को जो है वो स्टडी करना है. एप्लीकेशंस ऑफ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट. अब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या थी ये, इसको अगर हम रिवाइज़ करें तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली किसी भी आयन के जो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस जो वो बनाता था वाटर के अंदर जाके, कोई भी आयनिक कंपाउंड, तो उनकी प्रोडक्ट को हम कहते थे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लेड सल्फेट था और ये लेड आयन और सल्फेट आयन बनाता था, तो KSP जो कि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट थी, वो लेड के आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास निकलती थी. अब हम एप्लीकेशंस ऑफ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर वन एंड नंबर टू. नंबर वन इज़ कि अगर हमारे पास सोलुबिलिटी हो और हम उससे KSP फाइंड आउट कर सकें, KSP डिटर्मिनेशन किससे, फ्रॉम सोलुबिलिटी. और दूसरा ये है कि KSP हमारे पास गिवन हो और उससे हम सोलुबिलिटी को डिटरमिन करें. तो दीज आर द टू थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं. सोलुबिलिटी गिवन हो तो KSP निकल सकती है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकल सकती है, और अगर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो हम उसकी सोलुबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की. तो ये कॉन्सेप्ट दो जो हैं हम आज के अपने इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ KSP. डिटर्मिनेशन ऑफ द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सोलुबिलिटी. अब बिफोर वी गो इनटू द एग्जांपल एंड डेप्थ ऑफ द प्रोसीजर के कैसे हमने सोलुबिलिटी से KSP जो है वो निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि सोलुबिलिटी क्या होती है. सोलुबिलिटी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. पानी के 100 ग्राम के अंदर जितने जो से हैं नंबर ऑफ ग्राम्स डिजॉल्व होंगे सोल्यूट के, वो उस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कहलाएगी. अब होता ये है कि इसके यूनिट्स जो से हैं वो बेसिकली हमें बताते हैं ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में. क्यों? क्योंकि 100 ग्राम्स वाटर की अगर आप डेंसिटी देखें तो वो नियर होती है आपके पास 1 के, मतलब पानी का 1 ग्राम पानी के 1 ml के करीब करीब बराबर ही होता है. इस वजह से हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को ले लेते हैं 100 ml, और हम उसके यूनिट्स जो से हैं वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ले लेते हैं. कि अगर मेरे पास 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर, तो अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर हो तो उसमें कितने ग्राम्स जो उनसे हैं वो डिजोल्व होंगे, तो वो यूनिट मेरे पास आएगा सोलुबिलिटी का. तो इट हैज़ द यूनिट्स ऑफ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. अब हम क्या करते हैं, हम इस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को, क्योंकि हमने सोलुबिलिटी हमें गिवन होगी, प्रोसीजर हमारा कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ KSP सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को हम डिटर्मिन करेंगे फ्रॉम सोलुबिलिटी. तो ये सोलुबिलिटी हमें गिवन होगी इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब. हम इसको फ्रॉम ग्राम्स हम इसको लेके जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. उसका छोटा सा प्रोसीजर होता है कि हम उसके नंबर ऑफ उसके जो एटॉमिक मास होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वो निकल आता है. और फिर वहाँ से हम जो है KSP की वैल्यू को
फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर होगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 6 जो है, दैट इज अबाउट दिस, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास, कहता है जी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड फ्लोराइड एट 25 डिग्री C इज 0.64 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमें चीज़ है जी गिवन, डेटा हमारे पास ये है। और रिक्वायर्ड हमारे पास इस एग्जांपल में जो है वो कह रहा है कि आप फाइंड करके मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbF2। ये हमसे उसने मांगा गया है। अब हमें चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि KSP बराबर होता है लेड के यूनिट्स, लेड आयन की कंसंट्रेशन और फ्लोरीन आयन की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मेरे पास जो चीज़ मौजूद है वो सोलुबिलिटी है, जो कि है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, और मुझे उसको लेके जाना है कंसंट्रेशन के यूनिट्स में, और कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो हैं वो होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो उसके लिए पहले हम इसके यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए होगा PbF2 का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से निकाल लेते हैं, और PbF2 का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 42.45 ग्राम्स पर मोल आता है। तो ये जब हमारे पास निकल आएगा थ्रू द हेल्प ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के जब हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास इतना है और इसका एटॉमिक मास इतना है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप अपना पहला चैप्टर रिकॉल करें तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में क्या था कि आप जो है गिवन मास को डिवाइड कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो अब आप इसको देखें कि ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मोल ऊपर आ जाएगा, और हमारे पास जो इसका आंसर होगा 2.6 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली। ये कंसंट्रेशन है लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब यहाँ पे जो 1 डेसीमीटर है बेसिकली वो हमारी बेसिस है। ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री में, आप एक बेसिस डिफाइन कर लेते हैं कि भाई बेसिस मेरी है 1 डेसीमीटर क्यूब, मैं जितनी कैलकुलेशन करूँगा 1 लीटर के हिसाब से करूँगा। तो 1 लीटर के अंदर 0.64 ग्राम्स थे ना, तो ये ग्राम्स हम खाली लिखेंगे, फिर ये नहीं लिखेंगे, और ग्राम ग्राम से कटेगा तो आंसर हमारे पास मोल में आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हैं किसके, PbF2 के। अब हम चलते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ जो कि इसने डिसोसिएट होना है। तो PbF2 जो है आपके पास, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये डिसोसिएट होगा Pb+2 के अंदर एंड +2 × F-1 के अंदर। अब जब टाइम था 0 तो इसके कितने मोल्स थे ये जो अभी हमने निकाले, और ये अभी बिल्कुल नहीं बना था क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब फिर क्या हुआ, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टाइम पहुंच गया इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो ये रह गए 0 और ये कितने बन गए 2.6 × 10⁻³, और ये कितने बने, ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब हमारे पास इसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे KSP का। KSP इज इक्वल टू लेड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय F-2 की कंसंट्रेशन, F-1 की कंसंट्रेशन और पावर में 2।
तो अब हम इसको जो है जब पुट करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन है 2.6 × 10⁻³, और F-1 की कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³, और फॉर्मूले वाला स्क्वायर इधर आएगा। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, जो वो होगी KSP ऑफ PBF2, और यही हमसे मांगा गया था। तो पहला पार्ट जो कह रहा था कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो हम KSP निकाल सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल थी जो हमने सोल्व की। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट इसका, उसमें क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब हमें सॉल्युबिलिटी को हम डिटरमिन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी होगी और हम उसकी सॉल्युबिलिटी को जो है वो डिटरमिन करेंगे। ये भी इंतहाई आसान काम है, इसमें हमने अब उसी प्रोसीजर को, पिछले प्रोसीजर को तकरीबन उल्टा करना है। इसके लिए हमें सिर्फ जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का हमें फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। KSP हमें गिवन होगी और वहाँ से हम जो है वो निकाल लेंगे। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल भी सॉल्व की गई है एंड दैट इज़ वेरी इजी, और उसी एग्जांपल को लेकर हम चल रहे हैं आगे। एग्जांपल नंबर 7, वो कहता है जी कि CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्पेरिंगली सोलूबल सोल्यूशन। ये जो है आपके पास एक स्पेरिंगली सोलूबल सोल्यूशन है। इसकी जो KSP है दैट इज़ इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁶, ये आपको डाटा गिवन है। एंड रिक्वायर्ड इज़ दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दिस सोलुबिलिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ये जो है आपके पास इसकी हमने सॉल्युबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब KSP हमें गिवन है, अब हमें इसका फॉर्मूला भी पता है। अब हम चलेंगे इसकी इक्वेशन की तरफ। CaOH होल ट्वाइस, ये जो होता है आपके पास रिएक्शन, ये इस शक्ल में करेगा कि Ca2+ और आपके पास दो OH नेगेटिव जो उनसे हैं वो मिल जाएंगे। अब जब इनिशियल स्टेज थी, टाइम वाज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये जो था CaOH होल ट्वाइस, ये जितना भी मौजूद था ये अलबत्ता 0-0 थे। जाहिर सी बात है 0 ही होंगे। अब जब टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम पे अप्रोच कर गया तो अब क्या होगा, ये हो गया एस और ये हो जाएगा 2s, क्योंकि जितने ये इसकी क्वांटिटी होगी उतने ही कैल्शियम के आयंस बनेंगे और उसके डबल बनेंगे आपके पास हाइड्रोक्साइड के आयन, क्योंकि ये 2 आपके पास इक्वेशन में मौजूद है। और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है ये इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि एस इज़ द सोलुबिलिटी और वही हमने फाइंड करनी है, वो तो हमें पता नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी KSP की तरफ। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इसकी क्या होगी? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा कैल्शियम 2+ की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन और उसकी पावर 2, यही होगा। KSP हमें गिवन है दैट इज 6.5 × 10⁻⁶, विच इज इक्वल टू Ca2+ की S है और OH नेगेटिव 2 की 2S है, और फिर इसका ये वाला स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्म बन गई वो है जी S × 2s का स्केयर, विच इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁶। अब इस इक्वेशन को हम s के लिए जो है वो सोल्व कर लेंगे। ये 2 का स्केयर हो जाएगा 4, s और s का स्केयर हो जाएंगे s³। तो 4s³ इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁶।
यहाँ से हम एस निकाल लेंगे तो एस क्यूब विल बी इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 4, और ये जो है वैल्यू बराबर आएगी एस क्यूब की, ये होगी 1.625 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अब मुझे एस लेना है तो मुझे यहाँ पर इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और क्यूब रूट का मतलब है कि एस इज़ इक्वल टू 1.625 इंटू 10 पावर -6 और इसकी पावर 1/3। और इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास सोलबिलिटी निकलेगी, दैट इज़ 1.175 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इस तरीके से हमने सोलबिलिटी निकाली। तो दो तरीके हमने देखे कि जिसमें हमने KFP हमें गिवन थी और हमने S को फाइंड आउट किया, और फिर दूसरे में हमें F गिवन थी और हमने KFP को फाइंड आउट किया। तो दीज आर द टू एप्लीकेशंस जो कि हमने डिस्कस की थी, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम है कि एप्लीकेशंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो दीज वर वेरी इजी, और ये एग्जांपल्स अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछ ली जाती हैं। लास्ट जो एक छोटी सी बात है वो है जी इफ़ेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबिलिटी पे कॉमन आयन का इफ़ेक्ट क्या होगा। कॉमन आयन इफ़ेक्ट का सोलुबिलिटी पे सेम इफेक्ट होगा जो कि कॉमन आयन इफेक्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता था, इसको अगर हम समराइज़ करें तो अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें ऐड कर दें विद अ कॉमन आयन, के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन मौजूद होना चाहिए, तो क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन विल बी सप्रेस्ड। तो दिस इज़ हाउ द कॉमन आयन इफेक्ट वर्क्स। अब सोलबिलिटी पे उसका क्या असर होता है, सोलबिलिटी पे भी उसका यही असर होगा कि अगर मेरे पास एक साल्ट ए है, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, ये लेस या स्पेरिंगली सोलुबल है, और ये मेरे पास हाईली सोलुबल है, और दोनों के दरमियान में कोई कॉमन आयन मौजूद है, तो मेरे पास जो लेस सोलुबल की सोलुबिलिटी है, जो लेस सोलुबल जो सा सोल्यूशन है वो क्या होगा, उसकी सोलुबिलिटी और भी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी, तो उसकी डिक्रीज इन दी सोलुबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि वो पहले ही वीक है कॉमन आयन की वजह से, ये ज़्यादा सोलुबल है, ये ज़्यादा डिजोल्व होगा, और ये जब डिजोल्व होगा तो इसका आयन इसकी डिसोल्यूशन को कम कर देगा। तो ये भी आपके पास सेम चीज़ है, इसकी एग्जांपल भी आपके पास उसने डिस्कस की हुई है। वो कहता है जी कि आपके पास जो है, सपोज़ ये करें कि आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेड क्रोमेट का, PbCrO4, जो कि आपके पास सॉल्यूशन में जाके बनाती है Pb2+ प्लस CrO4 2-। ये जो है आपके पास क्या है, इट्स अ वीक या स्पेरिंगली सोलुबल कंपाउंड है। आपने क्या किया, आपने इस सिस्टम के अंदर एक नया सॉल्ट जो होता है ऐड कर दिया, जो कि क्या है, सोडियम क्रोमेट। ये अब आपके पास हाईली सोलुबल है, और इसके पास जो है 2Na+ बनाएगा और CrO4 2-। तो ये आपके पास आ गया कॉमन आयन, और ये चूंकि कॉमन आयन की मौजूदगी क्या करेगी कि हाईली सोलुबल की जो डिसोसिएशन है उसको फेवर करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन जो है डिसोल्व होगा, और ये जो CrO4 2- इसका निकलेगा हाईली सोलुबल कंपाउंड का, ये इसके साथ मिलके वापस ये बना देगा।
तो ये जो CrO42- है फ्रॉम Na2CrO4, ये आपके लेड आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, PbCrO4। तो ये कंपाउंड जब मजीद बनेगा तो मतलब इसकी सोलुबिलिटी क्या हो रही है, अब कम हो रही है, डिक्रीज इन सोलुबिलिटी। तो ये कॉमन आयन का इफेक्ट है सोलुबिलिटी पे, और ये सेम इफेक्ट है जो कि उसका इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में हमने कॉमन आयन इफेक्ट को डिटेल में स्टडी किया था। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 8। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है वो आज हमने ऑफिशियली जो है वो कंक्लूड कर दिया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सीखे हैं। तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम अगर यहाँ पे लिखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इम्पोर्टेंट लंबे क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा भी आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए होने चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद कुछ रिएक्शंस के केसेस हमने फाइंड आउट किए थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखे थे ली शेटलियस प्रिंसिपल, ली शेटलियस प्रिंसिपल सारा का सारा और उसकी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हैं। फिर आपके पास बफर्स वाला पार्ट जो सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बफर्स वाले पार्ट से पहले जो से आपके पास KW, KA और KB वाला पोर्शन है वो भी खासा इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में हमने जो है वो KSP को स्टडी किया। सब भी पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं करनी कि आपके पास ये इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चन पेपर में आएगा। यू नीड टू डिवेलप द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप इससे हायर लेवल पे जाके केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी। तो अब हम इस चैप्टर को ऑफिशियली बंद करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम अपने चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि भी एक खासी इम्पोर्टेंट जो सा है टॉपिक, एक चैप्टर है आपके बुक 1 का।